जो इसको खरीदेगा वो सोचेगा कि इसमें फ्लैट बनाएं या मैदान रखें या शादी के लिए यूज करें या कोई बड़ा भवन बनाएं या मंदिर बनाएं। जमीन तो इसके ऊपर क्या बनना है ये वही जानेगा जो इसको खरीदेगा, नहीं? बाकी वैसे तो खाली है, तुम भी भगवान के पास एकदम खाली आई, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, तुमको खाली भेजा है ना दुनिया में, एक पुतला बना के भेज दिया। अब जैसे संस्कार मिले, जैसे दुनिया मिली, ऐसे ऐसे तुम्हारे स्वभाव बनते गए। फिर अगर तुम्हारे मन में जिज्ञासा हुई कि हम इससे छूटें, तो तुमको गुरु भी मिल गया और तुम छूट भी गई। अब क्या जरूरत है इतना सब सोचने की, तुम्हें कुछ सोचना ही नहीं है। निश्चय करके तुम आराम से बैठ जाओ, अपने शरीर को भगवान का हैंडल समझ लो, वो जैसे चलाता है ऐसे चलते रहो। अपनी इच्छा नहीं करो, अपना अहंकार नहीं करो, तो तुम दुखी नहीं होंगे। जब तुम इच्छा करती है, जब अहंकार करती है, तो तुम दुखी हो जाती। दो जन्म है तुम्हारे, एक माता की कोख से मिला और एक गुरु के मुख से मिला, तो तुम बन गई द्विज ब्राह्मण, ब्रह्म में स्थित हो गई। माता का भी हमारे ऊपर ऋण है कि माता ने जन्म दिया तो इतनी सुंदर सृष्टि तुमको देखने को मिली, इतना सब तुमको, गुरु भी अच्छा मिल गया, काम भी अच्छा हो गया, सब सब कुछ देखने को मिला तुम्हें। पिता ने पालन पोषण किया, उनके भी थैंक्स है। फिर गुरु मिल गया, उसने तुमको आत्मा का ज्ञान दिया, तो गुरु का भी ऋण है अभी हमारे ऊपर, उसने हमको नया जन्म दे दिया। अब नया जन्म मिला तो पुराना जन्म भूल जाओ। जैसे तुम बोलती है ना, पहले हम क्या थे क्या नहीं थे, तुम भूल गई। ऐसे ही इससे पहले तुम क्या थी क्या नहीं थी, क्या हुआ तुम्हारे साथ क्या नहीं हुआ, वो सब भूल जाओ। कर्मों के कारण हुआ, किसके कारण हुआ, अब जिसके भी कारण हुआ हो। बच्चा गिर गया, अभी चलता है हमारे घर में बच्चा, ऐसे ऐसे करके गिर जाता है, कभी उसका ही अपना चप्पल नीचे आ जाता है, कभी उसको गीला पन मिलता है, पानी गिरा दिया उसने, गीला है, फिसल गया, फिर उठ जाता है, फिर चलता है। अब वो थोड़ी सोचता है कि मैं फिसला क्यों, फिर मैं चला क्यों, वो उठ के बच्चा बेचारा फिर चलने लगता है, फिर खड़ा हो जाता है। अब क्यों क्यों क्या सोचते रहे, क्या हुआ कैसे हुआ, कौन जाने में, उससे बोल भी दो तूने ये क्या कर दिया, उसको पता ही नहीं है गलत किया कि अच्छा किया। कुछ भी दे दो वो खेलता रहेगा, फेंक देगा। हीरों का हार दे दो फेंक देगा, उसको समझ ही नहीं है। जब समझ आती है तो फिर हीरा क्या है, मिट्टी क्या है, सोना क्या है, फिर सब तुम्हारा दिमाग चलता है। और पहले तो तुम जब पैदा हुए तुम्हें कुछ मालूम नहीं था, तुम्हारा नाम क्या है ये भी तुमको नहीं पता था, तो घर वालों ने नाम रख दिया वही बुलाने लगे। और अब गुरु कहता है ये नाम को भुला दो, ये नाम रूप मिथ्या है, तो उसको मिथ्या समझ लिया। अब तुम्हारा स्वरूप आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप। अब गुरु का कहना मान के आगे बढ़ो, पीछे क्या देखना है। खाली बैठा रहेगा तो क्या करेगा, नहीं नहीं मन चलता रहता है ना, तो चलना जीवन का नाम, जिंदा हो तो चलेगा ही दिमाग, नहीं मरे मुर्दे का थोड़ी चलेगा। भाई तुम दो पैर भगवान ने दिए, तुम चल रही हो, एक को स्थिर रखते हो फिर एक चलता है, फिर दूसरे को स्थिर रखते हो फिर पहला चलता है, फिर पहला स्थिर होता है फिर दूसरा चलता है, नहीं समानांतर नहीं चलेंगे ना, आगे पीछे चलेंगे। समानांतर कर दोगी तो जंप मारेंगे ऐसे दोनों साथ, ऐसे चलोगी रास्ते में दोनों को साथ साथ चलना है भाई, तो
ऐसे चली ऐसे चली ऐसे चली तो क्या होगा, दाएं से गिर जाओगी। और दोनों से नहीं चलेंगे, हम काम ही नहीं करेंगे, चलो जड़ होके खड़ी हो जाओगी। अगर तुम्हारे दोनों पैर कहे नहीं चलेंगे तो जड़ हो जाओगी एकदम, तो तमोगुण हो जाएगा तुम्हारा। और दोनों जंप 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 करती है, फास्ट फास्ट ऐसे चलती है, उससे भी काम नहीं बनेगा। पर एक चलता है फिर एक रुक जाता है, फिर दूसरा चलता है फिर ये रुक जाता है, फिर तीसरा चलता है चलने समय, लेकिन तुम्हारा इसमें ध्यान नहीं होता है, वो तो चलता रहता है। अब बोलो तुम पहले क्यों चला, फिर ये चलेगा, फिर तुम क्यों पहले चला, तुमको कहा था कि हमने चलो नहीं, फिर चलो फिर नहीं चलो, अच्छा रुक जाओ, फालतू की बात सोचते। कर्म ऑटोमेटिक हो रहे हैं और तुम बेकार में कहती ये पैर क्यों चला, अच्छा फिर ये क्यों चला। वो पागल आदमी था एक, जो होटल में गया और होटल में बोलने लगा हमारे को एक ऐसा कमरा दो और मेरे ऊपर कोई और व्यक्ति कमरे में न रहे। बोला ठीक है नहीं रखेंगे। अचानक एक ज़रूरतमंद आ गया, उसके पास एक वही खाली था कमरा और सब भरे हुए थे। उसने बोला मुझे दे दो कमरा। बोला नहीं, वो उसका पैसा मैं ले चुका हूँ, वो भी इंगेज है, कमरा हम नहीं दे सके। बोला भैया रात को सोना है, मैं क्यों नहीं दे रहे हो। बोला उसके नीचे जो व्यक्ति है उसने बोला ऊपर अगर आवाज़ होगी तो मेरी नींद खराब हो जाएगी, इसीलिए उसने मना किया है। बोले ठीक है मैं आवाज़ बिल्कुल नहीं करूँगा। कह तो दिया आवाज़ बिल्कुल नहीं करूँगा, लेकिन जैसे ही वो रात को लौटा 12-1 बजे अपने कमरे में आराम करने के लिए घुसा, तो पहले बैठ के पलंग पर जूता उतारा और ऐसे फट से फेंक दिया एक, तो आवाज़ हुई। फिर उसको ध्यान आया, अरे आवाज़ हो गई, अब तो नीचे वाले की आँख खुल जाएगी। फिर उसने दूसरा बिल्कुल धीरे से उतारा और ऐसे करके रख दिया, शायद आँख न खुली हो उसकी तो दूसरे को चुपचाप रख दिया। अब वो सारी रात उसका दिमाग चलता रहा, अरे भाई मेरे कमरे के ऊपर क्यों कमरा दे दिया उसने। बोला भाई वो ज़रूरतमंद था, दे दिया उसने, क्या तुम्हें डिस्टर्ब किया। बोला ये डिस्टर्ब किया उसने मेरे को कि एक जूते की तो आवाज़ आई और फिर दूसरे की आई नहीं आवाज़, तो मैं सोचने लगा क्या वो लंगड़ा है, क्या वो पंगू है, उस बेचारे को तकलीफ हो रही होगी, तो चलो मैं उसकी मदद करके आऊं। तो सारी रात यही उधेड़ बुन चलती रही और मैं सो ही नहीं पाया। मैंने कहा था तुम नहीं देना ये कमरा, तो ऐसे ही दिमाग है, ऐसा हुआ फिर ऐसा क्यों हो गया, फिर शायद वो ऐसा होगा, शायद उसके माँ बाप ने ये बोला होगा, शायद ऐसा हो जाएगा, शायद वैसा हो जाएगा, ये दिमाग का चलना है फालतू का। दूसरा आधा पागल था, उसको कुछ ना कुछ काम देना है था, बोले हमको भी काम दो, शादी थी। उसने बोला ठीक है ये मटर रखे है तुम्हारे पास, उसने बड़े अलग कर दो छोटे अलग कर दो। वो सारा दिन ऐसे ही बैठा रहा, अरे बोला तुमने कहा मैं काम बताओ, बड़े अलग करो छोटे अलग करो, तुमको काम दे दिया। बोला हाँ वो तो तुमने दे दिया, लेकिन बीच वालों का क्या करूँ ये नहीं बताया, बड़े मटर तो कर दूँ अलग और छोटे भी कर दूँ, अरे जो बीच वाले इनका क्या करूँ, इसलिए मैंने कुछ किया ही नहीं। तुम यही सब सोचती रहती हो, तुम्हारा दिमाग ऐसा ही है कि ये किया, अच्छा ये किया तो इससे नाराज हो जाएगा, अच्छा नहीं करती हूँ फिर वहीं रखाती हूँ, फिर कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाएगी उसमें, फिर सोचोगी बेकार हो गई मिस्टेक मेरे से, इससे अच्छा तो मैं शुरू ही ना करती, इससे अच्छा मैं ऐसा करती, इससे अच्छा मैं ऐसा करती, ड्यूअल माइंडेड है ना, इससे अच्छा अपने घर चली जाती यहाँ फालतू की डांट खा रही हूँ। टेन परसेंट अभी भी पागल है थोड़ा सा। कल बोल रही थी ना, इन्होंने मना किया हम संतरा और वो नहीं खाएंगे, हमने भाई हमको दिया इसको दिया, इसको क्यों नहीं दिया तुमने, तो कहती इन्होंने कहा था हम ये खाते ही नहीं। उन्होंने बोला कब कहा था इन्होंने कि हम ये नहीं खाते, बोला शायद मेरे दिमाग ने ही कहा होगा कि नहीं खाते। अब दो को सब चीज़ दी और उसको खाली एक पपीता जो वो खाती ही नहीं है वो रख दिया आगे, और कहती उन्होंने कहा था यही खाती हूँ। तो दिमाग अपना ही है ना, उसने कहा या नहीं कहा, इसने सोच लिया और इसके दिमाग में ये आ गया कि ये उन्होंने कहा। ऐसे व्यर्थ के क्वेश्चंस दिमाग करता रहता है, कुछ सिर पैर थोड़ी होता है, इस मन का न सिर है न पैर है। तो ये अंदर का जगत है, अंतर जगत है ये,
और अंतर जगत जो है वो सारा दिन चलता रहता है, सभी का चलता है, ये नहीं कि तुम्हारा चलता है, जितने लोग हैं सभी का चलता है, लेकिन हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। तो विचार आए चले गए, रास्ते में बैठे, कोई साइकिल आई, कोई मोटर आई, कोई रिक्शा आई, कोई टांगा आया, कोई ऐसा हुआ, पर कुछ भी नहीं होता है। फिर अगर दो भिड़ गए, कहीं एक्सीडेंट हो गया तो भीड़ इकट्ठी हो जाती है, मतलब एक अजूबा वो हो गया कि साइकिल और मोटर की टक्कर हो गई, और साइकिल वाला बेचारा गिर गया, उसका जख्म हो गया, उसको दर्द हो रहा है, उसकी टांग टूट गई, उसको अस्पताल पहुंचाना है, मतलब एक कांड बन गया जब टक्कर हुई। पर आ रहे थे जा रहे थे सड़क पर लोग, तब तो कुछ नहीं, नई बात नहीं है ये। तो इसी तरह से कोई कोई विचार जो टिक जाते हैं, टक्कर खा जाते हैं हम उनसे, उनसे परेशान होते हैं। उसी का ही तो उत्तर तुम्हें बता रहे हैं कि नॉर्मली सबको चलते हैं विचार, इससे हमको परेशान होने की जरूरत नहीं है। पर कहीं विचार टिक जाता है खाली, और उसका टिक जाना माना फिर वो टिक 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 सारा दिन करता रहेगा। रूप टूटा रिकॉर्ड है ना, तो वो फिर एक ही लाइन दोहराता रहता है। तो हम लोग का मन भी जहाँ एक टूटे रिकॉर्ड की तरह एक ही बात करता रहेगा। गुरु कहता है छोड़ो, फिर गुरु के विचार से उसको हटा दो। थिंकिंग इज नॉट माई रियल नेचर, कुछ भी सोचना मेरा धर्म ही नहीं है। ऐसा हुआ तो फिर ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ, फिर इसके लिए लोग क्या कहेंगे, इसके लिए फलाना क्या कहेगा, जो कहेगा जब कहेगा सुन लेंगे, और क्या, उसमें क्या परेशानी। क्या कहेगा उससे पहले हम परेशान हो जाएं, शायद वो ना भी कहे, शायद अगले का ध्यान ना भी जाए, लेकिन मेरे मन ने पहले से ही सोचना शुरू कर दिया। तो यही बेवकूफियां हैं और कोई बड़ी बातें थोड़ी है। सृष्टि कब हुई, फिर सृष्टि में पहले कौन पैदा हुआ, फिर पहले बाप हुआ कि बेटा हुआ। लोग कहेंगे बाप हुआ तभी तो बेटा हुआ, हम कहते हैं नहीं, बेटा हुआ तभी तो उसका नाम बाप पड़ा, अगर बेटा ही नहीं होता तो उसको बाप कौन कहता, वो लड़का ही कहता खाली। बातें दोनों ही सच्ची है, पहले मुर्गी हुई कि अंडा हुआ, पहले ऐसा हुआ कि वैसा हुआ, बोला जिसने किया उसी से जाके पूछो, हमने तो ना मुर्गी बनाई ना अंडा बनाया। जिसने मुर्गी बनाई अंडा बनाया उससे पूछ लो जाके क्या बनाया था तुमने पहले। इन क्वेश्चंस का ये इसलिए क्वेश्चंस दिमाग करता रहता है, मन तो पागल है, और पागल की बातों में हम अगर मिक्स हो गए तो हम भी पागल कहलाते हैं। पर पागल की बातों उसको आने जाने दें, वेंटिलेशन है, क्रॉस वेंटिलेशन, चलने दो, इधर से उधर उधर से उधर चल रहा है, पर हम एक तरफ दरवाजा बंद कर देंगे तो घुटन हो जाएगी। तो गुरु तुमको नहीं बोलता है कि तुम घुटन में आ जाओ, विचारों को चलने दो, अगर आ भी रहे हैं तो चलने दो, फिर मन कह रहा है पूछो तो पूछ भी लो, फिर जो तुम्हें गुरु बताए फिर उसको भी समझ लो, बस ज्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं। और फिर हो सकता है आगे चल के तुमसे कभी कोई ऐसे क्वेश्चंस पूछे तो तुमने पूछ लिया होगा तो तुमको अंदर निर्णय हो जाएगा, और निर्णय हो जाएगा तो तुम भी उस चीज का जवाब दे सकते हो, पर उस समय शायद उसके लिए कोई और जवाब भी हो सकता है जो उस समय अनुभव से निकल आए। अब ये नहीं बैठ के याद करेंगे कि उस दिन पता नहीं गुरुजी ने क्या बोला था, कौन सा उत्तर दिया था, कुछ नहीं सोचो, जो अंदर से आ जाए वो दे दो। जो अंदर वाला है ना तुम्हारा, इसके अंदर बहुत कुछ खजाना भरा पड़ा है, उस खजाने की जो है तुमको वो उसका इन्वेंशन करना है। 8 घंटे नींद करो आराम, 8 घंटे काम करो, नौकरी को 8 घंटे का काम मिलता है, गवर्नमेंट सर्विस भी, 8 घंटे करो सर्विस, 8 घंटे करो नींद, और फिर 8 घंटे जो तुम्हारे बचते हैं उसमें अंदर की खोजना करो, तुम्हारे अंदर क्या विचार चलते हैं, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। बहुत नॉलेज है इस दिमाग के अंदर भरा हुआ, बहुत तत्व ज्ञान भी है, बहुत खुशियां भी है, बहुत अच्छे अच्छे विचार भी हैं। उनकी अगर हम अपने भीतर की खोजना करने लगे तो हमको दूसरे को देखने का टाइम ही नहीं बचेगा। अपने काम से काम रखा, 8 घंटा हमको ड्यूटी देनी है दे दी ड्यूटी, फिर 8 घंटा आराम करना है तो कर लिया, उसके बाद जो 8 घंटे हमारे पास अपने बच्चे हैं वो अपने लिए, चाहे हम जो भी विचार करें, पर सत को चित्त में लाके हम हर समय आनंद में रहें। हालतें तो ऊपर नीचे आती रहेगी, पर गुरु ने बता दिया तुम्हारा स्वरूप क्या है, सच्चिदानंद स्वरूप, तो सत जब चित्त में आ गया तो आनंद आ गया, ये निशानी है कि तुम्हारा स्वरूप सच्चिदानंद है। और आनंद में आ गए उसके बाद तुमको क्या करना है, उसके बाद तुम्हें कुछ भी नहीं करना,
मेरा सच्चिदानंद रूप कोई कोई जाने रे, और आनंद का मतलब ही ये है कि फिर ना आनंद नहीं आए। आनंद आने के बाद अगर तुम सोचोगे कि फिर ना आनंद आ जाए तो ऐसा भी नहीं होगा। एक रस, तुम एक रस हो करके रहो, अपने मजे में रहो, अपनी खुशियां बांटो, अपना प्यार बांटो, अपने अंदर जो तुम्हारे शक्ति है उसको विकसित करो, खिलने दो, कोई बात नहीं। एक कली है कांटों पर सोई हुई है, अब कली को, कली के अंदर सुगंध भी है, रंग भी है, उसके अंदर बीज भी है, सब कुछ है, खिलने को टाइम तो चाहिए ना। तो ऐसे ही तुम्हारे जीवन में हर चीज है, पर उसको खिलने में वक्त लगता है। जब खिल गए तो फिर अपनी सुगंध सब तरफ फैलाओ, सबको जाके अपनी सुगंध पहुंचाओ, सबको जाके अपनी खुशियां पहुंचाओ, सबको जाकर के अपना आनंद दो, बांटते चलो। कब से शुरू करें बांटना, कब ना करें, जो आ जाए राह में, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो और प्रेम की गंगा बहाते चलो। तुम्हारा धर्म है प्रेम को प्रवाहित करना। सब तरफ देखो प्रेम का झरना बह रहा है, आनंद का झरना बह रहा है, तुम सर्व से प्यार करते चलो, सोच के नहीं, इससे करना है इससे नहीं करना है, ये अच्छी है ये बुरी है, ये ऐसी है ये ऐसी है। कभी कभी बुरे लोग भी हमारे लिए जिंदगी में हमको और आगे बढ़ाने का काम करते हैं, बहुत अच्छे हैं वो भी। अगर हमको अच्छाई ढूंढने आ जाएगी तो हम सबसे अपनी अच्छाई ढूंढ लेंगे, सबसे अपना आनंद ढूंढ लेंगे, सबसे अपने को तृप्ति में ले आएंगे। खुशी में आओ, तृप्ति में आओ, खुशी के गीत गाओ, गाओ खुशी के गीत। आज तो मन की हार हुई है और गुरु की जीत। फालतू की बातें मन सोचता था, अब धीरे 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 वो कम हो जाएंगी, और कम हो जाएगी तो तुम्हारे अंदर में उसकी खुशी भी आएगी। जितना कचरा अंदर से साफ हो जाएगा, राग पड़ा है, द्वेष पड़ा है, कई आसुरी लक्षण पड़े हैं, कई झगड़े वाली बातें पड़ी हैं, कई विद्रोह पड़ा हुआ है, जो हमारी शक्तियों को नष्ट करते, पर ज्ञानी उनसे भी काम ले लेते हैं। देखो जब समुद्र मंथन हुआ तो एक ही शक्ति से तो काम नहीं हो सकता था, है ना। एक तरफ देवी देवताओं को खड़ा किया, एक तरफ असुरों को खड़ा किया, तो दोनों के बल से मंथन हुआ। अब मंथन से भी बहुत कुछ निकला, विष भी निकला, अमृत भी निकला, हाथी भी निकला, घोड़ा भी निकला, सब चीजें निकली, सब यूजफुल है, पर यूजफुल करना गुरु सिखा देता है। लेकिन अमृत किसको पिलाया, खाली देवी गुणों को। तुम्हारा जो अमृत है वो तुम्हारे दैवी गुण बढ़ने चाहिए, भले आसुरी शक्तियों से तुम आगे बढ़े, वो बात एक अलग है कि तुम्हारे अंदर जोश था, तुम्हारे अंदर संकल्प था कि हम इस कार्य को करें, आगे बढ़ें, तो उसके लिए सब होना भी चाहिए, और उसके बाद उसमें हम फिर आसुरी गुणों से हट जाएं, फिर दैवी गुणों को अपनाओ। दैवी गुण माना दातार, जो कुछ तुम्हारे पास है वो देते चलो, प्यार है देते चलो, सेवा है देते चलो, जो कुछ तुम्हारे पास है वो तुमको देवता बनाता है। अग्नि तुमको हीट देती है तो वो भी देवता है, अग्नि देवता। पवन भी देवता है, तुम्हारी श्वास को चला रहा है। जितने पांच तत्व है, पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि, सब दे रहे हैं। आकाश में तुम बैठे हैं, पृथ्वी पर तुम बैठे हैं, पृथ्वी तुमको अनाज भी दे रही है, खाना भी दे रही है, फल फ्रूट भी दे रही है, सब तुम्हारे लिए कर ही रहे हैं ना। तो सब तत्व जो है वो क्या है, देवता है। तुम्हारे अंदर दैवी गुण आ जाएंगे तुम भी देवता है। तुम बाहर की देवियों की तो पूजा करते हैं, पर अपने अंदर की देवी को भी तो प्रकट करो, देने वाले बन जाओ। जो कुछ तुम्हारे पास है, जो तुम्हारी शक्तियां हैं, उनको और आगे बढ़ाओ, फिर और आगे बढ़ाओ, फिर उनको बांटो, उनको दो, और आसुरी संपत्तियों को नीचे करते जाओ, उनको घटाते जाओ। आसुरी लोग, असुर लोग तेज थे, जैसे राहु केतु घुस गया अमृत पीने के लिए, भगवान ने तो नहीं चाहा वो पिए, लेकिन फिर वो उसने पी लिया। अब पंक्ति भेद तो कर नहीं सकते थे, तो कभी कभी हमारे आसुरी लक्षण जो है वो तेजी करने लगते, लेकिन उनको फिर हटाना है।
फिर समझना है हमारे लिए क्रोध हानिकारक है, हमारे लिए द्वेष हानिकारक है, हमारे लिए अंदर में जो बुरे भाव आ रहे हैं किसी के लिए वो गलत हैं। तो धीरे धीरे तुम उनकी छटनी करते जाओ। जो जो विचार तुमको कष्ट पहुंचाते हैं उन विचारों को अपने से अलग कर दो, उन विचारों के बहाव में बहो नहीं, क्योंकि तुम विचारों के साक्षी हो। बुरा ख्याल आया, हमने इसको भी देखा, अच्छा ख्याल आया, इसको भी देखा, तो दोनों को ही हटा दो ना, अच्छे को भी बुरे को भी, क्योंकि तुम साक्षी हो। तुम साक्षी भाव में आ जाओ और जितनी तुम्हारे अंदर में अच्छे अच्छे गुण हैं वो सब में बिखेर दो, उसमें कंजूसी नहीं करो। मुस्कुराहट है तो मुस्कुराहट दो, प्रेम है तो प्रेम दो, सेवा है तो सेवा करो। जो भी गुण तुमको अंदर शक्ति दे रहे हैं उनसे तुम औरों को भी शक्ति दे सकते हो। जिस धन पे औरों को बरसावे, गुरु नानक साहब ने बोला ये जो तुमको धन मिला है, ये आत्म धन मिला है, इसको सब में बरसाओ, सब में देते चलो, सब में देते चलो, अपनी खुशियां बांटते चलो, अपना प्रेम बांटते चलो, तो तुम्हारे पास कभी कमी नहीं होगी। भले कमाओ तुम दोनों हाथों से, फिर दो भी दोनों हाथों से, कमा के खाली संग्रह कर लोगे, ज्ञान भी लेके खाली अपने पास रख लोगे तो ज्ञान एक दिन कम हो जाएगा, सड़ जाएगा। अगर बीज हम एक साल में नहीं खर्च करते हैं तो बीज सड़ने लगता है। गेहूं तुमने रखी हुई है, तुम अपने घर में भी लेके रखते हैं, अगर अधिक टाइम होता है तो तुम देखो उसमें स्मेल हो जाती है पुरानी गेहूं की, और घुन पड़ जाते हैं और एकदम से वो सड़ने लगती है। पर उसको अगर बो देते हैं तो वो फलीभूत हो जाती है। इसी तरह से जो कुछ तुम्हारे पास है उसको बोते चलो। एक बीज बोवो बोवो, ये प्रेम का बीज बो, ये ज्ञान का बीज बो। ये धरती है तुम्हारा शरीर ही तुम्हारी धरती है, ये धर्मशाला है। जैसे धर्मशाला में आके रह के सब लोग सुख ले लेते हैं, ऐसे तुम्हारे जीवन में जो लोग भी आ जाएं तुम्हारे संपर्क में, उनको तुम्हारे से सुख मिलना चाहिए। ये धरती धर्मशाला, शरीर तुम्हारा धर्मशाला है, इसके द्वारा सबको तुम प्रेम दे सकते हो, सबको अच्छे विचार दे सकते हो, पॉजिटिव थिंकिंग दे सकते हो। कई लोग आते हैं दुनिया में डिप्रेशन लेकर आते हैं, उनसे थोड़ी देर बात करो अच्छी तरह से तो उनका डिप्रेशन दूर हो जाता है, वो भी आगे प्यार करना सीख लेते हैं, उनकी भी जिंदगी जो है वो अच्छी बन जाती है, वो भी खुशियां देते हैं। आए थे पहले हम लोग भी गुरु के पास तो क्या था, साधारण जीवन जी रहे थे, खाना है पीना है, बाल बच्चों को पैदा करना है, पालना है, पोषना है, खत्म करना है, तो पशु भी कर रहे थे। लेकिन उद्देश्य तो सच्चा गुरु ने बताया कि इस जीवन को जियो कैसे। अगर तुम इस जीवन को सही तरह से जियोगे तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। जीवन सफल उसी का है जो तेरे चरणों में आ चुके, जो आ गए। भूले से अगर गया कहीं तो रास्ता उसे बता दिया। क्राइस्ट ने जब एक व्यक्ति को आंखें दी तो वो फिर से एक वेश्या के पीछे दौड़ने लगा, किसी के बच्चे को जीवित किया, फिर उनके बच्चे भी गलत कर्मों में फंसने लगे, तो उसने उनको बुलाया, भाई हमने तुम लोगों को ये जीवन नया दिया, किसी मुर्दे को जिंदा किया, किसी को आंखें दी, किसी का कोड़ उतारा, किसी का, तो वो फिर से संसार में ही चले गए। तो बोला मैंने तुम लोगों को जीवन दिया तो तुम लोगों ने मेरे जीवन का दुरुपयोग क्यों किया। उसने बोला कि आपने जीवन तो दिया हमें लेकिन जीने की कला नहीं सिखाई, अगर आप हमें कला भी सिखा देते जीने की तो हम कुकर्म ना कर। तो माँ बाप ने जीवन तो दे दिया तुम लोगों को, पैदा कर दिया, है उनका ऋण हमारे ऊपर, मातृ देवो भव पितृ देवो भव, सब अच्छे हैं, लेकिन फिर जीने की कला तो उन्होंने नहीं सिखाई, खाली जन्म दे दिया। अब जन्म तो माँ बाप ने दिया पर जीना गुरु ने सिखाया, तो हमारा जीना जो हुआ वो गुरु के मिलने के बाद शुरू हुआ। तो तुम्हारा ये हो गया दूसरा जन्म, तब तुम बन गए ब्राह्मण द्विज, ब्राह्मण को बोलते हैं द्विज, द्विज माना दोबारा जन्म। तो गुरु के मुख से तुमको दूसरा जन्म मिल गया। अब जो तुम्हारे पहले जन्म की आदतें थी, बातें थी, विकार थे, जो द्वेष था, जो अंदर संकल्प विकल्प थे, अब उनको भूल जाओ। चाहे रिश्तेदार थे नातेदार थे, भूल जाओ सबको, घर में भी रहते हो उनको अंदर से मोह हटा के रहो, उनको भुला के रहो। अगर उनको अंदर में रखोगे तो फिर उनके भी संकल्प विकल्प तुमको आते रहेंगे।
फिर उनसे भी तुम्हारे अंदर में परेशानी शुरू होगी। उनसे भी असंग होकर के रहो, उनके साथ संग रह के संग दोष में ना जाओ। बेटे के मोह में आ गए, पति के ममता में आ गए, बाल बच्चों का ऐसा हो गया, फलाना ऐसा हो गया, किसी से सुखी हुए किसी से दुखी हुए, असंग होके रहो। दुख सुख से भी असंग होके रहो, दुख सुख दोनों सम कर जानो। जीने की कला यही है। जो रामचंद्र को राज्य मिलने वाला है और फिर वनवास मिला, तो दोनों में वो सम रहा ना, उसमें उसने किसी को दोष नहीं दिया, केकई को दोष नहीं दिया, ऐसी मेरी माँ ऐसी तैसी कुछ बोला नहीं, किसने मेरे को क्यों ऐसा किया, बल्कि प्रशंसा की कि चलो उसके कारण मेरा संतों का दर्शन हो गया, पूरे देश में भ्रमण हुआ, वहां के भक्तों ने कहा हम राजा तक कैसे पहुंच पाते, पर वन में तुम आए हो तो हम सबने तुम्हारा दर्शन भी कर लिया। तो उसने उनमें से भी भलाई ढूंढ ली। माँ को कभी भला बुरा नहीं कहा, उसने बोला मैं पिता का वचन मान के वन में आया हूँ। माँ का वचन थोड़ी बोला, उसको तो पिता ने कहा ना, तो माँ तो खराब उसने कही नहीं। पर हम लोगों को कुछ होता है ना, ये सिखा पढ़ा दिया होगा ना इसकी माँ ने, उसने ऐसा किया होगा ना, वो इसको मिली होगी, कान में फूंक दे गई होगी कुछ ना कुछ। हम लोग उसमें भी दूसरे को दोषी ठहराते हैं, अपने मोह वाले के लिए दोष नहीं आएगा, वो तो बहुत अच्छा था, तो उसकी माँ ने पढ़ा दिया होगा, उसके भाई ने कर दिया होगा, उसकी भाभी ने, हम लोग एकदम किसी को दोष देते, लेकिन उसने दोष नहीं दिया। अगर देखा जाए तो आज दिन तक केकई का नाम इतना खराब हो गया कि कोई अपने बच्ची का नाम केकई नहीं रखना चाहता, वो अपने आप हो गया, लेकिन राम ने तो कभी उसकी बुराई नहीं की ना। हाँ, फिर तुम्हें आंसर मिला अपनी बात का। गुरु की वाणी ध्यान से सुनोगे तो तुम्हें अपने हर क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता कि हमारे पास आंसर ना हो, आंसर होता है, पर हम उस आंसर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, और जो आंसर हम चाहते हैं हम वो ढूंढते रहते हैं। कभी एक से बात कर, कभी दूसरे से बात कर, कभी तीसरे से बात कर, शायद कोई एक मेरे मन मुआफिक उत्तर दे दे, और अगर कोई मेरे मन मुआफिक उत्तर दे देगा तो मन कहेगा देखो इसने सही बात करी है, और प्रोटेक्टिव लेयर भी मिल जाएगी कि मैं कहूँगा फलाने ने मुझे ये बात बताई थी, मैं तो उस पे चल रहा था। लेकिन सच तो ये है कि सच्चा उत्तर तुम्हारे अंदर वाला तुम्हें देता है, राइट पाथ अंदर वाला शो करता है। मन की इच्छा के अधीन होके हम उस पाथ पर चलना नहीं चाहते हैं। मन की अपनी इच्छाएं हैं, मन की अपनी सोच है, हमारी अपनी ईगो प्रॉब्लम है, हम उस सब के अधीन होके राइट पाथ पर चलना नहीं चाहते हैं। हम सोचते हैं जैसा हम चलना चाहते हैं वैसा कोई अल्टरनेट निकल आए या वैसा कोई सॉल्यूशन मिल जाए, वो संभव नहीं है। निज निर्मल सुख सोई पाए जो मन को मोड़े मोड़े, जो अपने मन को मोड़ेगा सच्चा भीतर का सुख वही अनुभव करेगा। जो अपने मन को मोड़ेगा नहीं, जो अपने आप को चेंज करेगा नहीं, वो भीतर के सुख को पा नहीं सकेगा। अगर तुम्हें सचमुच शाश्वत सुख अनुभव करना है या सचमुच तुम्हें एक ऐसे सुख में चलना है जहाँ फिर वापस दुख ना हो, जो सुख आए फिर नहीं जाए उसका करो विचार। वो सुख प्राप्त होता है जब अपने मन को मोड़ा जाता है।
यहाँ पर हम लोगों के सत्संग में इम्पोर्टेंस ही इसी चीज़ की है कि अपने मन को मोड़ा जाए। मन आउटवर्ड्स रहता है, मन बाहर से बहुत कुछ तलाश करता है, लेकिन इसको मोड़ के आत्म से जोड़ना, मोड़ने का फायदा तब है जब हम आत्म से जोड़ें अपने को। हैं इंद्रियों की शक्तियाँ बाहर की ओर, जो बाहर से मोड़ कर इन्हें भीतर से जोड़ दो, उन शक्तियों को अंदर की तरफ जोड़ना पड़ेगा। आँख बाहर की बंद करनी होगी, पर उसको इस तरह से बंद करना है कि अंदर की आँख खुल जाए। कान बाहर से बंद करने होंगे, पर इस तरह बंद करने होंगे कि भीतर का अनहद सुनाई देने लगे। वाणी को बाहर से रोकना होगा, पर इस तरह रोकना होगा कि अंदर प्रबोध देना सीख जाएं। तो जो शक्तियाँ इंद्रियों की बाहर की तरफ हैं, उन्हें अंतर से जोड़ दो। कर सगल द्वार बंद, समाधि लगा के देख। जब ऐसे हमको मोड़ना आ जाता है तो हम समाधि में आते हैं, और समाधि का अर्थ हमारे दादा भगवान ने बहुत सुंदर सुनाया, समाधि माना समबुद्धि, समाधि माना समदृष्टि, समाधि माना समभावना। यानी जब कोई अपने मन को मोड़ना सीखता है तो समत्व योग को प्राप्त होता है वो। अपने मन को मोड़ने के सिवाय समत्व योग संभव नहीं है। जब अपना मन मुड़ता है तो समत्व योग लगता है, और सच्चा सुख समत्व योग में ही है। सुख बाहर किसी चीज में नहीं है, सुख बाहर पदार्थों में भी नहीं है, सुख औहदे और अहंकार में भी नहीं है। लेकिन तुम अनुभव करना, जब औहदा होते हुए भी कोई डाउन टू अर्थ रहता है तो उसके पास मान अपमान का भय नहीं होता। जब ईगो को हम मोड़ लेते हैं नम्रता की तरफ, राग द्वेष का संसार खत्म हो जाता है अंदर से। तो मन को मोड़ने से आपको सच्चे सुख की अनुभूति होती है। अगर आपको अपना मन मोड़ना नहीं आता है, एक समय आपका ईगो तो जीतेगा, लेकिन एक डिससेटिस्फेक्शन, डिसकंटेंटमेंट आप हमेशा एक्सपीरियंस करते रहोगे। जो एक्चुअल सेटिस्फेक्शन है वो अपने मन को मोड़ने में मिलती है। अब मन तो एक छोटे बच्चे की तरह है, जैसे तुम एक छोटे बच्चे को लेके बाजार में निकलो, अब वो हर जगह ही खड़ा हो जाता है। आइसक्रीम भी लेके दो, लॉलीपॉप भी लेके दो, खिलौना भी लेके दो, कपड़े भी लेके दो, हर जगह खड़ा है। लेकिन उसकी माँ घसीटती चलती है, चल 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 चल, सारा कुछ खिला देगी तो पेट बिगड़ जाएगा। जिस चीज पे वो हाथ लग रख रहा है, काम की है नहीं है, उसके साइज की भी है कि नहीं है, उसको ये सब नॉलेज नहीं है। लेकिन माँ उस बच्चे को मोड़ती आती है, मोड़ती आती है, घर ले आती है। अब इस मोड़ने के प्रोसेस में कई बार तो बच्चा किसी बहकावे में, लालच में खुशी खुशी आ जाता है, कभी कभी जिद्दी हो जाता है, कभी कभी सड़क पे लेट जाता है, कभी चांटा भी खाता है, कभी रोता भी लगता हुआ भी आता है, कभी माँ को मारता हुआ भी आता है। लेकिन माँ फिर भी उसको घसीट के वापस ले आती है। मन भी तुम्हारा ऐसे ही हर जगह खड़ा हो जाता है, कोई भी लहर उठा देता है। अब लहर उठना गलत नहीं था,
लेकिन आप उस बच्चे की तरह मन की हर लहर के साथ बह लेते, पहचानते नहीं हो। अब जैसे तुलसीदास पहचानते हैं कि राम जी को मट्ठा पीना है या मेरी इच्छा राम बन के आई, बहुत चलता है एग्जाम्पल सत्संग में। लेकिन देखो, जब तुम्हें कोई भी लहर आती है, तुम कभी विचारते नहीं कि मन मेरा अपना रस पूरा करने के लिए कोई बहाना बना रहा है या जेन्युइन बात ही यही है। विचार करके देखो, अब किसी दिन तुम्हें किसी चीज को नहीं स्वीकार करना है, घर में कोई बोलता है ये चीज खराब हो रही है, खा लो तुम, मैं डस्टबिन हूं, हो रही है खराब तो फेंक दो। लेकिन किसी दिन तुम्हें खुद ही खानी है, खराब हो रही थी मैंने इसलिए खा ली, यानी तुम अभी तक भी मन को नहीं पहचानते हो कि मेरी इच्छा कोई कारण पैदा करती है या सचमुच कारण है। एक कारण होता है, एक अपनी इच्छा कारण को जन्म दे देती है। तुम्हें नया सूट लेने का दिमाग में आ गया, मेरे कपड़े खराब हो रहे हैं, मेरे पास अच्छा सूट नहीं है, इच्छा ने कारण को जन्म दिया। कारण नहीं था, इच्छा ने कारण बनाया। ऐसा होता है। उस कंटेक्स्ट में आपको ये तुलसीदास जी का दृष्टांत सुनाया जाता है कि आप मन की किसी भी इच्छा को पूरा करने से पहले जरा जांच पड़ताल करो कि सचमुच आवश्यकता है, कारण है, या इच्छा ने कारण को जन्म दिया है। ऐसे में जब मन को मोड़ना शुरू करते हो, मन में भी कोलाहल पैदा होता है, मन में भी शोर पैदा होता है। कोलाहल भी कई तरह का है, रामायण में भी आता है। जब राम जी अयोध्या वापिस आने लगे थे, चलत विमान कोलाहल हुई, कोलाहल उससे में भी हुआ था, विमान चलेगा तो शोर तो होगा, पर विमान चला, कोलाहल हुई। एक तूफान आया, कोलाहल हुई। एक बच्चों की छुट्टियां हो गई सड़क पे, पार्क में कोलाहल हुई। जब राम जी का विमान चला, कोलाहल हुई, तो जय जयकार करे सब कोई। वो जयकार करने वाली बात थी, क्योंकि विमान का वो कोलाहल भगवान को निज धाम लेके जा रहे हैं, जहां 14 साल से भगत तरस रहे हैं। तुम्हारे मन में भी कोलाहल है, पर ये कोलाहल का कारण क्या है? तुम्हारे मन का कोलाहल गली में खेलते बच्चों वाला कोलाहल है, जबकि एक साधक के मन का कोलाहल क्या होता है? जो उसको मंजिल की तरफ लेके जाता है। हम नहीं कहते कोलाहल नहीं होगा, कोलाहल होता है, शोर होता है, जिज्ञासु के मन में भी शोर होता है, लेकिन उस शोर में उसको मंजिल मिलेगी। मन में तो तरह तरह के क्वेश्चंस भी आएंगे, तरह तरह की बातें भी आएंगी। मान लो हम तुम्हें कहते हैं, तुम किसी की बात पे रिप्लाई मत करो, चुप हो जाओ। मन कहेगा क्यों ना बोलें, अगला भी तो बोल रहा है, भगवान ने बुद्धि भी तो दी है, जबरदस्ती चुप हो जाएं, फिर अगला तो सिर चढ़ जाएगा, कोलाहल तो होगा मन में। लेकिन इस कोलाहल को शांत करने के लिए तुम्हारे पास ज्ञान का विचार है। जब ज्ञान के विचार से मन का कोलाहल शांत करते हैं, तो एक अवस्था, पता नहीं तुमने फ्लाइट में बैठे हो या नहीं,
जब धरती पर हवाई जहाज होता है और उसके इंजन स्टार्ट किए जाते हैं, बहुत शोर होता है, पर जब उड़ जाता है, गति में आ जाता है, हवाई जहाज के अंदर बैठ के शोर नहीं होता। फिर हम बातें भी करते हैं, फिर हम एयर होस्टेस की बात भी सुनते हैं, फिर हम अपना मोबाइल भी यूज़ करते हैं। तो कोलाहल गति से पहले वाला, वो तो इंजन स्टार्ट कर रहा है, आपको गति देगा और शोर खत्म होगा। कोलाहल होना भी गलत नहीं, लेकिन जिज्ञासु की एक वीकनेस होती है, मन पर तरस खाता है और मन का कोलाहल सहन नहीं करना चाहता है। जिज्ञासु अवस्था में तुम अपने मन पर दया करते हैं। एक निर्दयी होता है जो दूसरों पर अत्याचार करता है, लेकिन हमारे सत्संग के हिसाब से, दादा भगवान के हिसाब से निर्दयी कौन है? जो अपने मन और इंद्रियों पर दया करता है वो निर्दयी है। ये दादाजी की परिभाषा है कि जो अपने मन पर दया करता है, जो अपनी इंद्रियों पर दया करता है, वो निर्दयी है। अब जिज्ञासु अपने मन पर दया करता है, कैसे करता है? जब उसका मन परेशान होता है, जब उसका मन रोता है, भाई किसी का राज छीनेगा वो रोएगा तो सही, जब कोई मालिक बन के बैठा था उसको वापस नौकर होना पड़ेगा रोएगा तो सही, किराएदार सालों से बैठा था मकान मालिक समझ बैठा अपने को, उसको कहेंगे घर खाली कर रोएगा तो सही। मन की अब तक चलती आ रही थी, अब मन के ऊपर हम राज करना शुरू करेंगे तो मन रोएगा तो सही। ऐसे में जिज्ञासु को सहना पड़ता है मन का ये रोना, मन का ये शोर सहना पड़ता है। इस बात को लक्ष्मी भगवान पता है क्या बोलते थे? रंडी का रोना भी अच्छा है। भाई एक कोई ऐसा काम करके आया हो वैश्यागिरी वाला, अगर वो पछताता है तो कहते हैं अच्छा ही है, आगे से सुधरे। मन को उन्होंने ऐसी उपमा दे दी और बोला जिज्ञासु अपने मन को सुनाए कि इस मन का रोना भी अच्छा है, रोए भले रोए। अब जब तुम्हें अपने मन के विपरीत चलोगे, मन में घुटन भी पैदा होगी, मन रोएगा भी सही, मन दुखी भी होगा, मन उचाट भी होगा, मन लगेगा नहीं कहीं, कोई बात नहीं, इस अवस्था को सहना पड़ता है। और इस स्टेज को तुम देखना, तुम्हें बड़ी जल्दी जल्दी फेस करना पड़ता है शुरू में। क्यों? मन की हर इच्छा हम ऐसे पूरी करते हैं जैसे एक माँ बाप लाडली औलाद की हर इच्छा पूरी करके उसको बिगड़ैल बना देती है। हमने अपने मन को बिगड़ैल बना दिया है। अब कहीं पर भी हमने स्टॉप तो लगाया नहीं, अंकुश तो लगाया नहीं। अब जरा सा ही अंकुश लगाने की कोशिश करते हैं तो मन मुंझता है। जरा सा ही अंकुश लगाने की कोशिश करो, कुछ खाने की इच्छा हो रही है अंकुश लगाने की कोशिश करो, घूमने की इच्छा हो रही है अंकुश लगाने की कोशिश करो, मन कह रहा है इसको 1 की 2 सुनाओ अंकुश लगाने की कोशिश करो, उदास हो जाता है मन फटाफट, निराश हो जाता है, दुखी हो जाता है। अब जिज्ञासु सोचता है इतना मेरा मन परेशान हो रहा है, इससे तो 2 कह के जान छुड़ाऊं, 2 सुना के मैं अपना शांत हो जाता था। अब खामखा गुरु कह रहा है चुप रहो चुप रहो, अंदर तो आग लगी पड़ी है, नहीं सहना चाहते। अरे पहले मन में ख्याल आता था, उठा अपनी इच्छा पूरी की, जान छूटी, मन ने कहा चलो चलो फलानी दुकान के समोसे अच्छे, उठे गए खाए आ गए, निकले कहीं से आ हा यहाँ कुल्फी अच्छी है, यहाँ फलानी, रोक ली गाड़ी खा लिया तो बढ़िया था। ये क्या आप खाने से पहले विचारों भूख से खा रहे हो, इच्छा से खा रहे हो?
रस के अधीन खा रहे, तो मुसीबत हो गई। अच्छा विचार भी लिया, अब विचारने के बाद मिलती तो इच्छा है, मिलता तो रस है, आवश्यकता तो मिलती नहीं। अब रोकना है। अब रोका, मूड ऑफ हो गई। कभी कभी देखोगे खिन्नता, ना गुस्सा है ना रोना है, क्या है, खिन्नता सी है। नॉर्मल रिएक्ट एक्ट कर रहे हो, अंदर वाला नॉर्मल नहीं है, किसी को बताने का कोई कारण भी नहीं है, खिन्नता है एक। ये खिन्नता क्या है? ये वो मन को मोड़ने पर जो मन को उलझन पैदा हो रही है, ये वो खिन्नता है, ये परेशान हो रहा है। अब इसको सहना पड़ता है। अगर तुम मन को मोड़ना चाहते हो तो तुम्हें इस स्टेज को सहन करना पड़ेगा। जिज्ञासु क्या करता है? मन पर दया कर देता है, छोड़ो परे, अपना काम करते हैं। जैसे हम पहले बंदरों ने किया ना, धीरज तो रखा नहीं गया, पेड़ उगेगा फल होएगा, और आम उगाने भी आम थे, कहाँ तो दादा बोए पोता खाए, बंदरों ने उसी टाइम खोद 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 खोद, आखिर कहते हैं छोड़ो, हम लोगों के घर आम भी खाएंगे डंडे भी खाएंगे। जिज्ञासु की फिर ये हालत। कभी कभी तो मन ये विचार दे देगा, किसने देखा जन्म मरण, अच्छा होएगा जब होएगा, छोड़ परे, आज का तो मजा ले लूं, आज का तो रस पूरा कर लूं। आपको आपका मन इस तरह भी भरमाएगा, किसने देखी है कल, अच्छा मुक्ति किसने देखी है, अच्छा ये ज्ञान से भी तो ऐसे बस अपने को बनाई तो रहे हैं, अपने को ही तो ऐसे झांसा सा दे रहे हैं, कुछ नहीं होता, बेईमानों का जमाना है, फलाना, बड़ी सारी बातें मन लाता है, दाव चलता है। जैसे स्त्री होती है ना, घर में एक स्त्री होती है, 13 ताल उसके बोलते हैं, पति को एक इच्छा पूरी कराने के लिए, कभी उसको अच्छी चीजें खाने को बना के देगी, कभी मुस्कुराएगी, कभी कुछ करेगी, समझ जाता है इसको कुछ चाहिए, फिर प्यार से अपनी इच्छा रखेगी, फिर अगला मना करेगा तो मनाने की कोशिश करेगी, नहीं मानेगा मूड खराब करेगी, तो भी नहीं मानेगा कलेश करेगी, तो भी नहीं मानेगा रोएगी, तो भी नहीं मानेगा खाना छोड़ेगी। बढ़ाती है डिग्री कि किसी समय कोई दाव पति पर चल जाए। मन तुम्हारा नाना प्रकार के यतन में रहता है, कहीं ये मेरे चंबे में आ जाए। एक सजग जिज्ञासु मन को जीत पाने में समर्थ होता है, सजग जिज्ञासु। जो जिज्ञासु सजग नहीं है, सेल्फ अवेयरनेस, देखो ज्ञान सेल्फ अवेयरनेस का है। किसी के डर से संयम करोगे, 2 दिन 4 दिन 5वें दिन फिर वही काम करते मिलोगे, होता है ऐसा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं सालों साल चलती आ रही हैं, सालों से क्यों चल रही हैं? क्योंकि वही बात टोकी जाती है, कही जाती है, थोड़े दिन बाद फिर वही होती है, क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस नहीं है। डर के मारे थोड़े दिन अपने को दाएं बाएं कर लिया, रोक लिया, छिप छिपाव कर लिया, अंदर से रस कायम दायम रहा, उससे बात नहीं बनती है। एक जिज्ञासु जो सेल्फ अवेयर है, आत्म जागृति वाला, जागने वाला, मन को साक्षी होके देखने वाला, वो अपने मन को जीत पाने में समर्थ होता है। क्योंकि मन के भी बड़े सारे दाव हैं। भगवान हम लोगों को बोलते थे, समझो किसी की गद्दी छिनेगी, अब अगला बहुत तरह के दाव चलेगा अपनी गद्दी बचाने के लिए, मन की भी गद्दी छिनती है यहां, तो मन भी बहुत तरह के दाव खेलता है अपने गद्दी को बचाने के लिए। और मोस्टली जिज्ञासु इसके अधीन हो जाते हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे
किसी ना किसी बात पे। कभी ये कहेगा अच्छा ये बात तेरी प्रत्यक्ष में पकड़ी गई, छिपा के कर ले, आगे से किसी को पता ना चलने दे, ऐसे कर। किसी के लिए तो कुछ है ही नहीं। सारा का सारा ज्ञान सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ डिसिप्लिन का है, क्योंकि तुम्हें सेल्फ तक पहुंचना है। अपने सेल्फ तक पहुंचने के लिए, अपने स्वरूप तक पहुंचने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ अवेयरनेस तुमको चाहिए। तुम्हें ही अपने आत्मा का दर्शन नहीं होगा, तुम ही अपने स्वरूप तक नहीं पहुंचोगे, तुम्हारा ही आत्म जागरण नहीं हो पाएगा। इसमें किसी की तो बात ही नहीं। एक पता होता है ना अंदर से। बहुत सारी मैच्योरिटीज वैसे तो इंसान को एज वाइज आ जानी चाहिए, पर ज्ञान सुनने के बाद एक मैच्योर्ड एज से पहले भी मैच्योरिटी आ जानी चाहिए। ज्ञान का फायदा तब है। अच्छा, अंदर से ऐसा हो जाए कि कभी कोई फुरना भी ना रहे, तब मजा है। पर जिज्ञासु का मन उसको बदल बदल के, बदल बदल के रूप दिखाता रहता है, और वो इन्हीं चीजों में खुश होता रहता है। रूप बदल लिया, मन ने ही तो बदल के दिखाया ना रूप, और तो किसी ने नहीं दिखाया। अब मन ने ही दिखाया, इच्छा हुई मठा पिए, फिर चिंतन करते करते सो गया तो राम जी आ गए सपने में। बेटा मठा पिया कर गला सूखता है, बाजरे की रोटी अड़ जाती है गले में, राम कोई आकार है क्या? राम तो आकार ही नहीं है, तुलसीदास भली भांति जानते हैं। मेरे गले में अड़ी, और अड़ी भी नहीं, मन ने कहा अड़ रही है, क्योंकि मट्ठा पीने की इच्छा हो गई तो अड़ गई। जिस दिन मट्ठा पीने की इच्छा नहीं होती उस दिन तो सीधी निकल जाती है, आज अड़ गई। पर मन ने ही दिखाया, देख राम जी को दिक्कत हो रही है, राम जी के गले में रोटी अड़ गई। अब सेल्फ अवेयरनेस थी तो वो कहते हैं मेरी इच्छा राम रूप बन के आई है। अब यहां से एक बात और पहचानो, इच्छा तुम्हारी रूप धरने में माहिर है। रावण था ना, रूप धर लेता था, मारीच था रूप धर लेता था, मायावी राक्षस रूप बना लेते थे। मारीची तो हिरण बन गया, रावण भी ब्राह्मण बन गया, अपना असली रूप छिपा के ब्राह्मण बन गया। इच्छा को रूप बदलने आते हैं, ये रूप बदलती है, इच्छा रूप बदलती है। क्रोध करने का मन है, बदला लेने का मन है, रिवेंज का मन है, ऐसा ना हो सामने वाले समझे दब गया है। अच्छा मान लो, समझ भी लेंगे, तेरे घर से क्या जा रहा है, समझ ले तेरे घर से क्या जा रहा है। अगले की समझ है, वो अपनी समझ में कुछ भी रखे, मेरी अलमारी है मैं उसमें कुछ भी रखूं, चाहे मैं जूते रखूं तेरा की, चाहे मैं हीरा रखूं, चाहे मैं अपनी अलमारी में जूता रखूं तेरा की। अगला अपनी मति में कोई भी विचार रखे तेरा की, तुम्हें उसके मन को सोचने की क्या आवश्यकता है? तुम्हें उसके मन को सोचने की आवश्यकता नहीं है, ये मन की एक चाल है, ये मन की एक चाल है। ये कहता है ऐसे करो। घर में मम्मियां होती हैं ना, किस दिन खाना बनाने का मूड ना हो, थोड़ी थोड़ी चार चीजें पड़ी हैं, मैं क्या क्या डस्टबिन में डालूं, आज यही खाओ सारे। समझ आ जाता है आज मम्मी का बनाने का मूड नहीं है असल में, है ना? तो कहती है ये भी पड़ा है, ये भी पड़ा है, ये भी पड़ा है, खाओ। और खाने लोगों पूरा होता नहीं, फिर कहेगी अच्छा कोई बात नहीं, मैं नमक फुलका खा लूंगी, मैं एक परांठा बना के खा लूंगी, खा लो तुम लोग खा लो, बासा हम खाएं परांठा तुम खाओ, घाटे में फिर भी हम रहे। लेकिन माँ ने बहाना बना दिया कि तुम बचा हुआ सब खाओ। ये मन की चालें ऐसी, नई नई चाल पैदा करता है, नई नई बात पैदा करता है।
नई नई इच्छा पैदा करता है, जो इसको करना है उसके अकॉर्डिंग काम करेगा ये, जो इसको करना है। तुम्हें मैगी खाने का मन है, ये ना महीने भर से पैकेट पड़ा है, ऐसे खराब हो जाएगा, क्या करूं, यही बना के खा लेती हूँ। डेट देख, अभी साल बाद खराब होना है उसने, रख दे, है ना। एहसान ठोकते हुए बना लेना है, इच्छा है खाने की, पढ़ना आता है मन को अपने, मन को पढ़ो, मन को पढ़ो तो पता चल जाएगा। आम ना ढीले हो रहे थे तो मेरे को लगा इसका शेक बनाती हूँ, ढीले आम थे, खा लेने थे काट के, आम भी तो खाया जा सकता था। वो इच्छा तो कुछ और थी, रस तो कुछ और था, बीमारी तो कुछ और थी, नाम लग गया। ऐसा होता है। अब तुम्हारे अंदर से क्या उछल रहा है, वो स्वभाव क्यों, एक स्वभाव है, मैं कभी किसी की सुनता नहीं, मैं एक की दो सुनाता हूं, मैं सामने वाले को चुप करा के रहता हूं। अब गुरु ने तो अंकुश कर दिया, तू चुप हो जा, इतनी छटपटाहट मच जाती है, ऐसे लगता है रोम रोम चीख रहा है, इससे अच्छा एक जबान चीख लेती। परेशानी ये हो जाती है, लगता है रोम रोम चीख रहा है, कभी हाथ मारोगे, कभी टांग मारोगे, कभी दिल करेगा सिर दीवार से मार लूं, बोलूं, और अंदर उकसाता मन, पता कैसे, तू तू कमजोर है, तू इतना कमजोर हो गया, तू जवाब नहीं दे सकता। और किसी किसी टाइम तो मन कहेगा छोड़ परे, ऐसा ज्ञान सुनने की क्या जरूरत है, सत्संग ही छोड़ दे। जिस सत्संग में जाके तेरी अपनी जो स्वतंत्रता है, आजादी का जीना है, शेर होके जीना है, वो छूट जाए, उससे बेहतर है तुम छोड़, सत्संग ही छोड़। अब सच्चाई तो ये है, वो तेरा शेरपना है, शेरपना है, शेर उठ के मक्खियों को पंजे मारता, तुमने कब देखा, उसके तो शरीर के पिछले हिस्से की पूंछ ही काफी है मक्खियां उड़ाने के, हटो हटो निकलो यहां से। शेर अटेंड करेगा मक्खियों को, तुम जिसको शेरपना कह रही हो, शेरपना तो वो है नहीं, गिदड़पना है, कायरपना है, दो शब्द नहीं सहारे जा रहे, शेर हो तो क्या अटेंड करने जा रहे हो, शेर हो घास खाने क्यों जा रहे हो, कुत्ता भौंकता मिलेगा गाय को, शेर गरजता नहीं मिलेगा गाय को, वो सीधा पीछे से जाके गाय खा जाएगा, हजम कर जाएगा पंजा मार के। शेर कुत्ते वाली एक्टिंग करेगा, गाय घास खा रही है, वहां खड़ा हल्का हल्का गुर्रा रहा है उसके ऊपर। जिसको तुम शेरपना कह रहे हो, तुम ऐसे वाले शेर हो, शेर समझ के अपने को और कुत्ते वाली हरकत कर रहे हो, हम कैसे मान लें तुम शेर हो, विचार करो, ये कहां से आ रहे हैं थॉट्स, मन से आ रहे हैं। मन कहेगा अब तू कमजोर हो गया, कमजोर हो गया या बहादुर हो गया, हाथ चलाना सरल है, हाथ को रोकना बहादुरी है, जबान चलाना सरल है, जबान पे संयम करना बहादुरी है, लड़ाई झगड़ा करना, तेरी मेरी करना सरल है, क्षमा करना बहादुरी है। जरा बहादुरी की परिभाषा भी तो समझो, बहादुर किसको कहते हैं, बहादुर किसको कहते हैं बताओ। आज एक सत्पुरुष है, वो अपने जीवन में मन का संयम, तन का संयम, वाणी का संयम करता है, वो बहादुर है, या वो बहादुर है जो लोगों का छीन के खा जाए, क्लेश
क्लास में लंच बॉक्स भी चोरी करके दूसरे का खा जाए, मार पिटाई करे, वैथरी वाणी बोले, कौन बहादुर है? सत्पुरुष बहादुर है, यानी संयम बहादुरी है, असंयम कमजोरी है, क्रोध पर जीत पाना बहादुरी है, क्रोध के अधीन होना कमजोरी हुआ। संसार में सबकी उल्टी मत होने के कारण सब कमजोरी को तो बहादुरी मानते हैं और बहादुरी को कमजोरी मान लेते हैं। परिभाषाएं गलत हैं, विचार गलत हैं। परिभाषा आती नहीं किसी को। अगर कुत्ता भौंक रहा है, हम उसके साथ नहीं भौंक रहे हैं, ये हमारी मनुष्यता हुई। और अगर हम मनुष्य होते हुए कुत्ते के साथ भौंकने लगे, बेवकूफी हुई। एक व्यक्ति क्रोध में बोल रहा है, गलत बोल रहा है, हम शांत हो जाते हैं, ये हमारी अक्लमंदी हुई या बेवकूफी हुई? दुनिया वाले बेवकूफी कहेंगे, दुनिया वाले कमजोरी कहेंगे, लेकिन राइट अप्रोच क्या कहती है? किसी भी बात का एक राइट एंगल क्या कहता है, जरा चेक करके देखो। राइट एंगल क्या है किसी भी बात का? तो तुम्हें पता चलेगा, बोला ना, हर बात सोचते हो, सोचो दिमाग से। ज्ञान को भी तो जरा दिमाग से सोचो। ज्ञान को क्यों तुमने ऐसा बना दिया है कि माइंडलेस क्रीचर होके चलते हो? कोई भी व्यक्ति अपने किसी भी विकार से जब जूझता है, हमें समझ आ जाता है कि इसके पास समाधानता का अभाव है। समाधानता का अभाव होने पर इंसान को अपने साथ बहुत लड़ाई करनी पड़ती है और लड़ते लड़ते भी कई बार हारता है, क्योंकि समाधानता तो है नहीं। एक चीज को जहां से समझना चाहिए, कैच करना चाहिए, जो एक राइट अप्रोच होनी चाहिए, जो एक राइट थॉट प्रोसेस होना चाहिए, वो नहीं कैच किया, तो उसका सत्य भी बद्ध हो जाएगा, जो करेगा वो गलत हो जाएगा और अपने जीवन में सहन भी ज्यादा करेगा। देखो, सीधी बात आई कि जब क्लास में टीचर ने बच्चों को बोला, आज दो इम्तिहान होंगे तुम्हारे, एक ऑब्जर्वेशन का, एक पेशेंस का, दो इम्तिहान चलेंगे, ऑब्जर्वेशन एंड पेशेंस। टीचर ने एक घोल लिया, सब बच्चों के आगे भी रखा हुआ था, उंगली डुबोई और मुंह में डाल ली। सारे बच्चों ने भी घोल में उंगली डाली, मुंह में डाल ली। बहुत कड़वा घोल था, सब मुंह बिदकाते रहे, करते रहे, लेकिन उंगली नहीं निकाली जब तक टीचर ने नहीं निकाली। टीचर ने बोला, तुम लोग एक टेस्ट में पास हो, एक में फेल हो। टेस्ट तो एक ही हुआ, नहीं दोनों थे इसमें, ऑब्जर्वेशन भी था, पेशेंस भी था। ऑब्जर्वेशन था, उसमें तुम सब फेल हो गए, पेशेंस में पास हो गए। मैंने ये उंगली घोल में डाली और मुंह में ये वाली डाली, करते मैंने चेंज कर ली। तुम सबको लगा मैंने वही डाली, एक माइंड सेट भी हो जाता है ना, भी वही डाली होगी, बुद्धि हर जगह आ जाती है, माइंड सेट हो जाता है फटाफट, बिना ऑब्जर्व किए हम वही काम कर जाते हैं, गड़बड़ हो गई, सारे फेल हो गए। तो तुम देखना, ज्यादा सहना किसको पड़ता है? जिसने गुरु को ठीक से ऑब्जर्व नहीं किया, समझा नहीं, जिसकी समाधानता सही नहीं, वो सहन ज्यादा करता है।
हर काम का एक राइट ट्रैक होता है, एक राइट ट्रैक से जाने पर और राइट वे से जाने पर हम सही जाते हैं, और जब हम राइट ट्रैक से नहीं जाते तो हम गलत हो जाते हैं। ट्रैक है, हर चीज का एक ट्रैक है। अब तुम यहां आए हो, एक ट्रैक है, हम लोगों का एक सिस्टम है। सिस्टम से चलोगे तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, सिस्टम से दाएं बाएं होगे तो टोक ताना शुरू हो जाएगा, शायद कोई क्रोध भी कर देगा, क्यों तुमने सहा, क्यों तुमने सहा, क्योंकि तुमने अप्रोच गलत कर दी। काम वही करना है पर उसकी अप्रोच ठीक करनी। समझो सुबह भजन क्या बैठते हैं सब लोग भजन में, अब तुम चौधरी बनो, ये सारे भजन करें, मैं ना घर में पोछे लगाती, सेवा तुमने अच्छी की, लेकिन हमारे यहाँ का ट्रैक नहीं, भजन में बैठो। तो सेवा करके थक के अच्छाई सोचने के बाद भी तुम्हें स्कोल्डिंग मिलेगी, ट्रैक रॉन्ग हो गया ना। ज्ञानी एक राइट अप्रोच, राइट ट्रैक भी जानता है हर काम का, उसके पास राइट ट्रैक है। अब राइट ट्रैक में वो प्यार भी कर सकता है, समझा भी सकता है, लेकिन फिर भी कोई गड़बड़ करता है तो ये राइट ट्रैक है कि उसको वहीं का वहीं पकड़ा जाए, वहीं का वहीं दबोचा जाए? नहीं तो एक सड़ा आम टोकरी में रख दो, सारे आम सड़ जाते हैं, रीस आ जाती है। बड़े लोग कहते थे दांत खराब हो ना निकलवाओ मत, एक दांत निकलवाओ बाकियों को रीस आ जाती है, जल्दी जल्दी निकलवाने पड़ते हैं। रीस का सिस्टम बड़ा बुरा है। तो एक व्यक्ति गलत चलता है, उसको देख के सबको शय मिल जाती है ना, ये राइट ट्रैक हुआ। राम जी उस ट्रैक के अंतर्गत रावण का वध करते हैं, कृष्ण उस ट्रैक के अंतर्गत कंस का वध करते हैं। ट्रैक है, धर्म का ट्रैक है। समुद्र मंथन के बाद भगवान उस ट्रैक के अंतर्गत देवताओं से और दैत्यों से पार्शियलिटी करते हैं, अमृत पिला दिया देवताओं को, पानी पिला दिया दैत्यों को। तुम कहोगे भगवान ने भेद किया, ये उनका ट्रैक था धर्म का, अधर्म को कमजोर करना था, अधर्म को नाश करना है। ये राहु केतु जो आज तक मशहूर हैं, ये देवताओं की पंक्ति में आ गए, तो भगवान को मजबूरी, उनको भी अमृत देना पड़ा। तो राहु केतु अभी तक जरा बलिष्ठ हैं, इसीलिए जब पंडितों को तुम्हें डराना हो तो राहु काल केतु वहां घुस गया है, राहु यहां घुस गया है, बाकी तो पानी पिए थे, ये दोनों अमृत छके हुए हैं, तो वो इन दोनों का इस्तेमाल करते हैं, राहु केतु का। तो भगवान ने अगर भेद किया, ये उनका ट्रैक था धर्म का। जिज्ञासु अवस्था में हमें ये ध्यान रहे, ट्रैक अप्रोच, कौन सी अप्रोच, सेल्फ अवेयरनेस, कौन सा ट्रैक, सेल्फ रियलाइजेशन का ट्रैक। अब उसके ऊपर अगर तुम चलोगे, तुम अपने आप समझ जाओगे क्या छोड़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग, तुम्हें अपने आप ही समझ आने लगेगा। उसके लिए विशेष मेहनत नहीं करनी पड़ती। फिर जब एक एम क्लियर क्लियर है मेरे सामने, मेरा ट्रैक है सेल्फ रियलाइजेशन का,
मेरी ये अप्रोच है सेल्फ अवेयरनेस की, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, एकदम रास्ता साफ है, मुझे अपनी मंजिल पता है, मुझे अपना साधन पता है। अब हमको यहां से अगर चंडीगढ़ तक जाना है, मुझे अपना एम पता है, मेरे पास अपनी गाड़ी है, मुझे रिक्शा देखने की क्या जरूरत है बाहर, या मैं बैटरी रिक्शा वाले से पूछूं चंडीगढ़ तक जा पाएगा तू? मेरा एम क्लियर है, मेरे पास गाड़ी है, मैं 4 घंटे में पहुंच सकता हूं, मैं रिक्शा में धक्का क्यों खाऊंगा? अगर एक जिज्ञासु को अपना एम क्लियर है और अप्रोच क्लियर है, रस्ते में होने वाली गलतियों की संभावना ही नहीं है। जब जब हम एम से भूलते हैं, अप्रोचेस गलत होनी शुरू होती हैं, तो हम कहीं और निकल जाते हैं। देखना, किसी किसी वक्त तुम ये भी भूल जाते हो कि तुम साधक हो। जब होते हो ना मन के अधीन, इच्छा के अधीन, रस के अधीन, तुम ये भी भूल जाते हो तुम साधक को, और संयम तुम्हारे जीवन की एक अप्रोच है। अवेयर रहना अप्रोच है कि मन मुझे ना नचाए, रस मुझे ना नचाए, मैं गुलाम ना बनूं किसी चीज का, भूल जाते हो। इतने सारे सवाल मन में कब आए? जब तुम भूल गए कि तुम जिज्ञासु हो, जब तुम भूल गए कि तुम सत्य की राह पर चलने वाले मुसाफिर हो, भूल गए ना, तब तुम्हारे मन में कोलाहल पैदा हुआ, शोर आ गया अंदर। क्यों आया? आखिर इस शोर का कारण कहां है? भूल, अपने लक्ष्य से भटकन, अपने साधन से भटकन, अप्रोच से भटकन, वहां मन में कोलाहल पैदा हुआ। बहुत अच्छे से जब अपने को हर कदम पे हम फूंक के चलते हैं, हर कदम फूंक के रखना होता है, हर कदम, ईच एंड एवरी स्टेप मेजर्ड है ज्ञानी का, जिज्ञासु का। हर कदम पे सोच विचार, किसी बड़ी परिस्थिति में नहीं सोच विचार, हर कदम पे सोच विचार। अब हर कदम पे सोचने लगो तो तुम्हारा सिर भारी हो जाएगा, पता चलेगा सालों सत्संग बैठने के बाद भी मैं वहीं का वहीं हूं, ना मेरा वाणी पे संयम है, ना मेरा इंद्रियों पे संयम है, ना मेरा मन पे संयम है, जैसा संग वैसा रंग हो जाता है, संग दोष भी आता है, ये भी तो संग दोष है, क्रोधी के साथ क्रोध पैदा होना संग दोष ही तो है, खाली आसक्ति थोड़ी संग दोष है, ये भी संग दोष है। एक असंयमी व्यक्ति के साथ खुद असंयमी हो जाना संग दोष ही तो है, और क्या है? अपने जैसे हैबिट्स वाला, अपने जैसे रसों वाला कोई मिल जाए, हमारी जोड़ी बन जाती है उसके साथ, क्या है? संग दोष ही तो है। इस सब को संग दोष कहते हैं। दुनिया में मिल जाते हैं ना दो दोस्त, आजा आजा ये करें, आजा आजा वो करें, संग दोष। और संग दोष में कभी कभी इंसान की जीवन खराब हो जाती है, बल्कि हेल्थ भी खराब हो जाती है कई बार संग दोष में। मैंने दोस्त के कहने से ये खा लिया, मैंने दोस्त के कहने से ये कर लिया, हेल्थ बिगड़ गई। माँ पूछती है क्यों खाया? अरे वो बस दोस्त कह रहा था, खा लिया, संग दोष है ना। मन के साथ संग, ये भी बड़ा कुसंग है।
सामने किसी विकारी व्यक्ति के संग वैसा हो जाना, यह भी संग दोष है। मैं अपने स्वभाव को कैसे छोड़ दूं? चीनी को तुम नमकीन चीज में मिला दो, शिकंजी पीते हो, उसमें खट्टा भी है, नमक भी है, मीठा भी है, तीनों चीज है, ठंडी बर्फ भी है, एक सिप पी के देखो, सबका नेचर डोमिनेट कर रहा है। किसी ने दूसरे के नेचर को अपने ऊपर डोमिनेट नहीं होने दिया, और जब सारे कट्ठे डोमिनेट होके जबान को छू रहे हैं तो स्वाद आ रहा है। शिकंजी में देखो क्या होता है, ठंडी, फिर खटास भी है, नमक भी है, मीठा भी है। चीनी ने ये नहीं कहा अब ये खट्टा और नमकीन मिल गए हैं, मैं खुश हो जाऊं, मीठी पता लगती है मिठास है, नमक और चीनी मिल गए नींबू का, अब मैं ना पता चलता है खट्टा है, और नमक तो है ही राम रस, भले पड़ी रहे चीनी, भले पड़ा रहे नींबू, नमक अपनी एक टांग उठाता ही है। तुम देखो कोई भी चीज बनती है, हर कोई जड़ चीजों को भी देखो, खाने की चीजों को भी देखो, सब अपने अपने टेस्ट को डोमिनेट कर रहे होते हैं, तभी तो स्वाद लगती है चीज। शाही पनीर खाओ, पनीर अपना टेस्ट डोमिनेट कर रहा है, टमाटर अपना टेस्ट डोमिनेट कर रहे हैं, खड़े मसाले अपना टेस्ट डोमिनेट कर रहे हैं, वो हमारी जबान को कट्ठे छूते हैं, मजा आता है। और तुम इंसान कैसा है, तुझे कोई भी डोमिनेट करके चला जाता है तो अपना स्वभाव भूल जाता है। ये सारे अपने स्वभाव में पक्के, इनको उबाल लो, छील लो। शाही पनीर बनाते हो, टमाटर को उबाल के छील लेते हो, फिर वो गूदे को चर्न कर लेते हो, मजा ले, टमाटर अपना रस छोड़ दे, वो सब्जी में अपना रस दे के रहते हैं। पनीर का तुमने जो मर्जी गति कर दी, वो अपना टेस्ट दे के रहता है, और जब सारे फ्लेवर्स अपना अपना टेस्ट दे रहे थे, सब्जी बड़ी स्वाद बनी है, चीज बड़ी स्वाद बनी है, सब अपना अपना फ्लेवर डोमिनेट कर रहे हैं, कि कोई दूसरे फ्लेवर को अपने ऊपर डोमिनेट नहीं होने दे रहा, इसी को तो टेस्ट कहते हैं, डेलिकेसी कहते हैं, स्वाद कहते हैं, कुछ भी कहो नाम। वो खाते हो सॉफ्टी, टू इन वन, वनीला का भी टेस्ट आए, स्ट्रॉबेरी का भी आए, और जब बिस्किट तक पहुंच के उसको काट खाओ तो वो अपना स्वाद दे। अगर एक का स्वाद दूसरे को डोमिनेट कर रहा हो, कहते हो मजा नहीं आया, उसका टेस्ट तो था ही नहीं, बीच में फलानी चीज का तो स्वाद ही नहीं आया। घर में भी कोई कोई चीज बना, अच्छा फलानी चीज डाली है, टेस्ट तो नहीं आ रहा इसमें, मजा तो नहीं आया। अब ये सब अपना डोमिनेशन नहीं छोड़ रहे, तुम कितनी जल्दी विकारों को डोमिनेट होने देते हो, दूसरों के स्वभावों को, दूसरों के इच्छाओं को, दूसरों के निमंत्रण को, सब चीजों को अपने ऊपर डोमिनेट होने देते और अपने आप को भूल जाते हैं। हु एम आई, मैं डोमिनेट रहूं ना सबके ऊपर, ये कैसे डोमिनेट करें मुझे? संत के आगे इतने लोग मिटने वाले होते हैं, प्यार करने वाले होते हैं, पर संत किसी को डोमिनेट थोड़ी होने देता है अपने ऊपर। जिसको अच्छी बुरी कहनी है कह सकता है, डांट सकता है, वो अपनी उसमें रहता है ना, एक अपनी जो उसकी औदा है, अपनी जो उसकी एक हस्ती है, वो उसमें रहता है। सत की हस्ती में रहने में कोई अर्ज नहीं होता, झूठ की हस्ती बनाने में नुकसान होता है। संत अपनी सत्य की हस्ती में रहते हैं,
तुमसे बार बार ये भूल हो जाती है, जो चीज सामने आई तू अपने आप को भूल गया, उसके साथ बह गया। किसी ने क्रोध किया तुझे भी क्रोध आ गया, किसी ने तुझे बहकाया तू भी बहक गया, किसी ने किसी रस में घसीटा तू भी घसीट गया। देखो कभी कभी लिहाज, डर या अंदर सूक्ष्म में पड़ी हुई इच्छा, ये नो कहने की पावर भी खत्म कर देते। हूं मैं बहुत पावरफुल, लेकिन मेरी नो कहने की पावर कहां चली जाती है? मेरी सेल्फ कंट्रोल की पावर कहां चली जाती है? मेरे ऊपर चीजें डोमिनेट कैसे कर जाती हैं? सीधी बात है, जो भूला अपने को उसके ऊपर जगत डोमिनेट हो गया। भूला ना अपने को, क्यों भूला अपना स्वरूप? क्यों भूला अपनी जागृति से? परे क्यों हुआ? अपने निश्चय से क्यों हिला? अपने आत्म साम्राज्य से बाहर क्यों निकला? सोच के देखो। संतों को सारा दिन किसी से एक शब्द बोलने की आवश्यकता नहीं, जंगल में अकेले बैठे तुम लोगों से बोल बोल के पक्षियों से, कुत्ते से, सबसे बोलना चाहते। उनके पास शब्दों का अभाव हुआ पड़ा है। तुम कुत्ते से भी बोलोगे, किसी के घर जाओ उसके कुत्ते से ही, अच्छा बैठेगा खाएगा, मामा लग रहा है तेरा, उसे भी बोलना है, पक्षियों से भी बोलना है, सबसे बोलना है। संतों को पूरे दिन में एक शब्द नहीं बोलना है। शरीर की आवश्यकता इतनी कम हो गई, रामतीर्थ जंगलों में घूमता रहता है, कोई एक आधा फल मिल गया तो खा लिया, नदी मिल गई तो नहा लिया, ना तो चलने दे गाड़ी, भजन गा रहा है, मौज कर रहा है। तुम्हारे पास एक नियमित आहार के बाद भी बड़ी गुंजाइशें रहती हैं। चलो नियमित आहार है वो नियम से ले लो, समय से ले लो। सबसे पहली बात समय। बॉडी में एक अपनी वॉच है, पता है तुम्हें? भगवान ने शरीर में एक घड़ी फिट की हुई है। कैसे पता चलता है? जब इसकी नींद पूरी हो जाती है ना, उठ जाता है। एक रूटीन बना लो, हमें सुबह 5 बजे 4:30 बजे उठना है। अलार्म बाद में बजता है, तुम पहले उठते। एक वॉच है। रोज का हमारा नियम है दोपहर को 1 बजे भोजन करने का। 1 बजे मांगेगा, कभी कभी भूख लगती है, घड़ी देख 1 बज गया क्या, अच्छा मेरा खाने का टाइम हो गया। 10 बजे 9:30 बजे सोने का नियम है। अरे मुझे झपकियां क्यों आ रही? ओहो 10 बज गई है भाई, अब नहीं जग सकते हैं, हमारा समय हो गया। बॉडी में एक वॉच है, इसकी अपनी एक घड़ी है, और ये हर काम उस समय से करता है अगर कोई अनुशासित हो। यहां तक के ये अपनी जो दैनिक क्रियाएं हैं वो भी समय से करता है। आप देखो, अगर आप एक रूटीन फॉलो करते हो, समय से खाना, समय से सोना, समय से उठना, समय से वॉक करना या एक्सरसाइज करना, समय से बंधे हो, अगर आप अनुकूल चलते हो, डिसिप्लिनड हो, आपका शरीर अपनी क्रियाएं भी समय से करता है। ये नहीं एक दिन पेट सवेरे 5 बजे साफ हो रहा है, दूसरे दिन 8 बजे साफ हो रहा है, किस दिन शाम तक साफ नहीं हो रहा। ये इनडिसिप्लिन्ड व्यक्ति की हालत है। इसमें इतनी घड़ी फिट है, ये अपनी हर क्रिया समय से करके किनारे हो बैठता है। इसके अंदर अपनी एक घड़ी है, लेकिन तुम्हारी घड़ी खराब है, सारा दिन तुम्हारा समय खराब चलता है, ऊट पटांग। रात को 10 बजे भी खा रहे हो, 11 बजे भी काफी पी रहे हो, चलने दो गाड़ी, ये सहता है। इसकी पूरी पूरी आवश्यकताएं हैं। अब इसकी जल की भी आवश्यकता है,
इसको उतना जल अगर पूरे दिन में नहीं मिलेगा, ये बीमार होना शुरू हो जाएगा। यूरिन इन्फेक्शंस होते हैं, पेट में ताप बढ़ता है, ये सब क्यों? शरीर को जितनी वाटर रिक्वायरमेंट है वो इसको नहीं मिलता है, जितना जल इसको मिलना चाहिए वो इसको नहीं मिला। इसको पता है, ये खराब होना शुरू हो जाता है वहां से। किसी को भी देखना यूरिन इन्फेक्शंस होते हैं, डॉक्टर सबसे पहले बोलता है पानी का इंटेक बढ़ाओ, आप पानी कम पीते हो, इन्फेक्शन हो गया, वो खाना पीना खाए जाए जा रहा है, पानी उस मात्रा में जा नहीं रहा, और ये बहुत हिस्सा इसका पानी से बना हुआ, मांगता है पानी लाओ, है ना? इसकी घड़ी है ना एक। अब अगर तुम उस घड़ी के मुताबिक चलो, ये सब बताता है अंदर, और बहुत नियमित आहार से चलता है, संकुचित और नियमित। नियमित आहार होता है कि हमने एक डाइट फिक्स की हुई है अपनी, हम उस डाइट पे रहते हैं, संकुचित, भूख से हम इतना कम ही खाते हैं, संकुचित आहार है इसका, बाकी सब टेस्ट। कभी तुमको हैरानी लगेगी सुन के, एक समय होता था स्वीट डिश का फैशन ही नहीं होता था, स्वीट डिश खाली शादियों में मिलती थी, बड़े अच्छा लगता था देख के, वहां गुलाब जामुन, जलेबी, बर्फी, शादी वाले घर चले जाओ बर्फी ले आते थे, वो तोशे मठियां ले आते थे, बड़े खुशी होती थी देख के, अच्छा शादी वाला घर है, क्योंकि जरूरत ही नहीं इसको, इसको आवश्यकता ही नहीं, सादी सी एक रोटी और सब्जी खा के खुश रहता है ना। अब चक्कर क्या है सारा, हमें अपनी बॉडी की साइंस नहीं पता, ऊपर से हमें अपने मन की साइंस नहीं पता, हम इन दोनों को भी बिड़वाए खड़े हैं। जिज्ञासु को देखो, तन और मन की भी भिड़ंत करा रखी है उसने, वो तन बेचारा कहता है मेरा क्या कसूर है, तेरे मन के रस और मुझे भुगताए जा रहा है, मेरे अंदर चीजें डालता जा रहा है, मैं दुखी हो रहा हूं। एक गिलास दूध या एक आइसक्रीम का स्कूप कहते हैं उसके बाद खाना नहीं खाना चाहिए, एनफ कैलोरीज हो गई, और आप क्या करते हो, खाना खाने के बाद आइसक्रीम खाते हो, पूरी भरपेट रोटी खाने के बाद, तो वो भी स्वाद लग गई तो दोबारा आने दे, तिबारा आने दे, मिल्क शेक में आने दे, कॉफी में आने दे, फलानी चीज में आने दे, भुगतता शरीर है। तेरे मन की इच्छाएं, तेरे मन का असंयम, बेचारा शरीर भुगतान करता फिरता है, फिर ये बेचारा दवाइयां खाता है, फिर ये पीड़ा पाता है, फिर इसके दर्द होता है पेट में, कभी एसिड होता है, कभी कुछ होता है, कि किसका भुगतान कर रहा है शरीर? तेरे मन के रसों का, तेरे मन की इच्छाओं का भुगतान ये करता। ये जबान 32 दांतों से बाहर आके कुछ बोल गई, भुगतान ये करता है। इसको कभी यहां चांटा पड़ता है, कभी सिर पे लगती है, कभी टांग बांह पे डंडा पड़ता है, इसने किसको भुगता? तेरे वाणी के असंयम को भुगता इसने। शरीर बेचारा तो खाम खा के भुगतान कर रहा है, सारा तुम्हारे मन का झगड़ा, सारा तुम्हारे मन का असंयम, उसका भुगतान ये शरीर कर रहा है। पैदाइशी कोई बीमार नहीं होता, बहुत रेयर कोई पैदाइशी बीमार कहां होते हैं, सारी बीमारियां उम्र बढ़ने के साथ आती हैं। रॉन्ग हैबिट्स, गलत आदतें, गलत खान पान, गलत सोच, गलत आचरण, गलत तौर तरीके, सब वहां से आ रहा है, सब कुछ वहां से आ रहा है।
सब चीज के लिए समय है, सेल्फ डिसिप्लिन होने के लिए टाइम नहीं निकालते हैं। खाने के लिए हम आधी रात को भी उठ बैठेंगे खाने, सैर करने के लिए हम आधी रात को नहीं करेंगे, टाइम ही नहीं मिलता, टाइम ही नहीं मिलता। खाने का टाइम मिल जाता है, सोच के देखो। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे, तुम्हारा मार्ग है जो सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ जाता है, और सेल्फ अवेयरनेस की अप्रोच से तुम्हें चलना है। लेकिन इन दो के नदारद होने से तुम्हारे जीवन में कोलाहल है। अब इस कोलाहल का दोष किसको है? तुम्हें ही तो है। आई बात समझ में अब सारी? बोलो। हाँ? हाँ, हमारे मन की इच्छाओं का भुगतान ये शरीर कर रहा है। हमारा मन पे संयम हो जाए, शरीर स्वस्थ हो जाए। योगी ऋषि मुनि सौ सौ साल जी जाते थे, और स्वस्थ जीवन निरोगी काया, या बचपन में ही रोगी काया। गलत है आचरण, गलत है व्यवहार, गलत है खान पान, डिसिप्लिन नहीं है लाइफ में, उस सब का भुगतान कर रहा है शरीर। तभी प्रॉब्लम होती है, हम भटकते हैं, या एम से भटकते हैं या अप्रोच से भटकते हैं। आदि स्वभाव से नहीं हटना चाहिए। जो तुम्हारा आत्मा का गुण है, जो तुम्हारे स्वरूप का गुण है, उससे हटना नहीं चाहिए। फिर अपने मन को जवाब देना भी आता है। जो खुद अवेयर है, पहले तो उसका मन कोई बात लाएगा ही नहीं, अगर ले आएगा तो उसको अपने मन को आंसर करना आता है। सीधी सी बात है, कारण नहीं बताएगा फिर वो, इस कारण मैंने ये किया, उस कारण, उसकी अपनी समाधानता है, राइट अप्रोच है। थोड़ा जोर से। हाँ, और 99% तुम्हें समझ आएगा, इच्छा कारण पैदा करती है, कारण होता नहीं है, इच्छा कारण पैदा कर देती है।
विजन क्लियर है तो अप्रोच कैसे मिस हो सकती है? रास्ते में चार सड़कें मुड़ती हैं, मुझे चंडीगढ़ जाना है तो हम पंजाब की तरफ कैसे चले जाएंगे, अमृतसर की तरफ कैसे चले जाएंगे? विजन तो क्लियर होगा ही होगा, एम क्लियर है तो विजन अपने आप क्लियर है। एम क्लियर हो और विजन क्लियर ना हो ऐसा तो होता नहीं है। हाँ, डेस्टिनेशन ब्लर होते ही आपका विजन ब्लर हो जाता है। अपनी ब्रेन की सर्जरी करनी पड़ेगी खुद। जितनी आदतें ज्यादा पड़ी हुई हैं, जितना मन को सुना ज्यादा है, बिगड़ैल है जितना मन, उतना कोलाहल ज्यादा होगा। जो बच्चे कम बिगड़ैल होते हैं वो थोड़ा सा रो धो के चुप हो जाते हैं, थोड़ी देर मूड खराब करके चुप हो जाते हैं। जो बिगड़ैल होते हैं वो दो दो दिन कलेश मचाते हैं। जितना मन को ज्यादा बिगाड़ा हुआ होगा उतना कोलाहल ज्यादा होगा। उड़ जाएगा जहाज, फिर तो शांति, नीचे कोलाहल है। बहुत खराब करता है संग दोष तो, बहुत ही ज्यादा। अकेले होके रहो, जहां भी रहो अकेले होके रहो, अपनी डिग्निटी में रहो, अपने ज्ञान में रहो। जहां संग दोष में आओगे कोई ना कोई तुम्हें सत्यानाश कर देगा। फिर बाद में तुम ब्लेम करते रहोगे, मुझे तो फलाने ने खराब कर दिया, मेरे को तो फलाने ने बात दिमाग में डाल दी। तुम अधीनी क्यों हो? अकेले होके रहो, सिंगल होके रहो, सॉरी बोल दो, बुरा मानने की क्या जरूरत है, लिहाज में आने की क्या जरूरत है? बोलो नो, तुम्हें जो करना है करो, हम साथ नहीं आएंगे। पर जब सूक्ष्म इच्छा अपनी भी होती है, बाद में हम कहते हैं नहीं, फलाने ने ऐसा करवा दिया हमसे, हमें तो नहीं करना था, हमें तो कोई दूर दूर तक ख्याल ही नहीं था। हमने सोचा अगला सही कर रहा है, हमने सोचा अगला ऐसा कर रहा है, जरूरी है अगला सही है। कई बार बड़े लोग भी सही नहीं होते। तुम्हारा विवेक तुम्हें कोई बात बता रहा है तो तुम किसी बड़े के साथ भी चलने की क्या जरूरत है? अपना संयम रखो। हाँ, फिर क्या जरूरत पड़ेगी? फिर कुछ डोमिनेट करेगा ही नहीं तुम्हें। अकेले चलोगे तो राम तीर्थ की तरह बादशाहत में रहोगे। अकेला इंसान सही विचार में रहता है, संग दोष में आती ही गड़बड़, चल ये भी कर रहा है मैं भी कर लेता हूं, चल ये ऐसे कह रहा है मान लेते हैं, चलो मिलके कर लेते हैं। फिर जब कोई बात हो जाए तो फिर कहते हैं नहीं, मैंने तो सामने वाले का सोचा। अपने दिमाग से चलना चाहिए। गलत तो तब भी है ना, तुमने किसी के दिमाग से तुम क्यों चले? अपने दिमाग से चलो। तुम्हें पता होना चाहिए गुरु का ज्ञान क्या है, गुरु का नियम क्या है, गुरु का आदेश क्या है, तुम्हें पता होना चाहिए। किसी के कहने से क्यों चले? तो
सही कैच किया। वो एक अच्छी बात है, लेकिन उठता तो है ना, फिर हम तो वो बात कर रहे हैं। इसीलिए तो 10 जगह बात करने की जरूरत पड़ती है। मन सोचता है गुरु की बात के अलावा भी अगर कोई बात बता दे तो मैं कह दूंगा मेरे को तो इसने सलाह दी थी, बहुत चालाक है मैं। हाँ अंदर से कम सेग्रीगेट जरूर होना चाहिए। चलो बाहर से आप एक ग्रुप में रहते हो, हॉस्टल में रहते हो, सबसे बना के चलनी होती है, पर अंदर से इतना अकेलापन होना चाहिए कि अपनी डिग्निटी मेंटेन कर पाओ, अपने एथिक्स को मेंटेन कर पाओ। कभी भी अपने एथिक्स के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करो, इतना सेग्रीगेट होना ही चाहिए। सबके संग असंगो कह रहो। जिस चीज को तुम बहादुरी कह रही हो वो कमजोरी है, और जिसको तुम कमजोरी समझ रहे हो असल में वो बहादुरी है। ज्ञान की अप्रोच बहुत फर्क है। साखी सुजाग अंदर ही है, राइट। हाँ नहीं तो धीरे धीरे मन फैलने लगता है यहाँ भी, फिर अपने कंफर्ट जोन में यहाँ भी आ जाता है। गया फिर भजन बता कविता। शोर एक मिनट, कोई बात कर रहा है, आप हर बार ऐसा परेशान करती हैं। लेकिन फिर वही बात है, अगर एम क्लियर है विजन क्लियर होगा। जब तुम्हारा विजन ब्लर होने लगे समझ लेना तुम्हारा एम ब्लर होने लगा है, इसीलिए तुम्हारे सामने ये सिचुएशन आई। इसीलिए होता है क्योंकि एक एम क्लियर नहीं रहता, मन ड्यूअल है, इधर भी जा सकता है इधर भी। अभी तक ये कर रहा है, एक रोड पकड़ लो। जब तुम्हारा एम क्लियर हो जाएगा विजन क्लियर हो जाएगा। नहीं दे पाओगे ना क्योंकि तुम्हारा एम क्लियर नहीं है माइंड में। अभी
अब एक व्यक्ति जानता है मैं ऐसे मार्ग पर हूं, मुझे असंसारी होके चलना है, ठीक है, उसकी सारी अप्रोच होगी यही वाली। और एक व्यक्ति को पता है मैं संसारी भी हो सकता हूं, असंसारी भी हो सकता हूं, कौन सा विचार दे अपने? अब एक व्यक्ति को पता है मुझे उचित आहार देना है शरीर को, चॉइसेस ही नहीं है, आराम से खा लेगा। जिसको पता है मैं परहेज वाला भी खा सकता हूं, बद परहेजी वाला भी खा सकता हूं, अब वो आधा इधर हाथ मारेगा, आधा इधर हाथ मारेगा। लोग शादियों में देखा है तुमने, नॉन वेज खाना है नॉन वेज खाओ, वेज खाना है वेज खाओ, दो डिशेज उठाएंगे नॉन वेज की, एक उठाएंगे वेज की, थाली में सारा भरथा मार लेंगे, क्योंकि एक एम ही नहीं पता। एक पता हो ना, ये विजन एकदम ठीक होता है फिर। हाँ बोलो। इच्छा से ही तो क्रोध है ना, इच्छा और अहंकार दो ही कारण है क्रोध के। तुम चेक करो, या तो तुम्हें कर्ता भाव आता है, या तुम्हें एक्सपेक्टेंस होती है किसी से। ये दो रीजन मिटा दो, भगवान से होता हुआ देखो, अपने को माइनस कर दो, क्रोध रहेगा ही नहीं। भगवान ने कराया, भगवान का नाम होवे, तेरा क्यों होवे। हम करते हैं तो उसके बाद हमें एक्सपेक्ट होता है हमारा नाम हो, हमें थैंक यू मिले। ये बड़ी सारी बीमारियां हैं अंदरूनी। हाँ, ये विक्षेपता पैदा करते हैं। घर में मत रहो, तुम ज्ञान में रहा करो। घर में रह के कोई ज्ञान में नहीं चल पाएगा, उधर भी जाके सबको भगवान देखो, तब बात बनेगी। तो मन को, अगर मन नहीं है तो जबरदस्ती मन को क्यों ढूंढ रही हो? आनंद में रहो बस, सेवा में रहो, मस्त रहो। जबरदस्ती मन को ढूंढ के क्या करना है? कभी कभी सिचुएशंस भी ज्यादा नहीं होती, और कई बार ज्ञान की प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाती है या गुरु की कृपा ऐसी हो जाती है कि हमारे पास कोई ऐसा मन से संघर्ष रहता ही नहीं है, तो ठीक है, मस्त रहो, खुश रहो। तो कोई बात नहीं, सेवा का शौक है ना, सेवा बहुत बड़ा माध्यम है, सेवा कोई कम माध्यम थोड़ी है। हनुमान जी भी तो वानर स्वरूप हैं, चंचलता उनका स्वभाव था, पर उन्होंने उस चंचलता को राम से जोड़ दिया। अब राम काज कर बैको आतुर, आतुरता तो वानर में वैसे ही होती है, पर सेंटेंस क्या बन गया, राम काज कर बैको आतुर, चलो तुम भगवान की सेवा में आतुर रहो, ठीक है, यही आनंद है तुम्हारा। आज ये बात बहुत अच्छी लग रही थी कि इच्छा कारण पैदा कर देती है, तो हमें लगता है कारण बना तो इच्छा हो गई, लेकिन इच्छा ही कारण पैदा करती है।
ब्रह्म ज्ञान की सीढ़ियों पे कोई कोई बिरला चढ़े जी, कोई कोई बिरला चढ़े, जो चढ़ जाए सीढ़ियाँ 84 लख उसकी कटे, 84 लख उसकी कटे। ब्रह्म ज्ञान की सीढ़ियों पे कोई कोई बिरला चढ़े, कोई कोई बिरला चढ़े, जो चढ़ जाए सीढ़ियाँ 84 लख उसकी कटे, 84 लख उसकी कटे। मानुष तन मिलान मोला, मैंने माटी में इसको रोला। मानुष तन मिलान मोला, महिला।
राज के